हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दिस इज शालिनी और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ग्लोरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ आसान तरीके बताऊंगी, आसान टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि कैसे दूध की मलाई से घी निकाला जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। तो गाइस, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 कटोरी मलाई रखी हुई है और मैं इसे लगभग 1 महीने से जमा रही थी, फ्रिज में स्टोर की हुई थी। तो मुझे जब लगा कि इसे अच्छी क्वांटिटी निकल सकता है घी का, तो मैं आज डिसाइड की कि चलो इसका घी निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये वीडियो शेयर किया जाए। वैसे तो घी निकालने के बहुत लोगों के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, बट मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है कि इसे पैन में गरम करें और इसे जब तक से जल ना जाए तब तक से इसे घी निकाल लें। तो गाइस, इसे हम पैन में यहाँ पर बारी बारी से मैं सारा मलाई कटोरी का निकाल रही हूँ, जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ नॉन स्टिक पैन में। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से मतलब खुशबू आ रही है, वो तो आप देख मतलब फील नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि घी कितनी अच्छे से निकल रही है और काफ़ी रेडिश और पिंक कलर की घी निकल रही है। गाइस, ये बहुत आसान तरीका होता है घर पे घी निकालना। और बाहर के जो घी होते हैं उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स मिलाई जाती हैं और ये तो आपके घर की में जो दूध आता है उसकी मलाई से घी निकल रहा है, तो ये काफ़ी आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। और ये देखिए गाइस कि गर्म पैन में जाते ही मलाई से घी निकलने लगा है और ये काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे कम आँच पे। एक सबसे आसान तरीका है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सारे 4 कटोरियों से मलाई निकाल ली हूँ और ये काफ़ी पेशेंस का काम है गाइस, काफ़ी टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है इससे मतलब घी पूरा अच्छी तरह निकलने में। तो आप काफ़ी इसको टाइम दीजिएगा क्योंकि अच्छे कामों में टाइम तो देना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पे मैं स्टील का बर्तन अभी यूज कर रही हूँ तब तक ये घी ठंडा हो जाए। तो मैं इसे शीशे के गिलास में या शीशे के जार में स्टोर करूँगी। और ये देखिए गाइस, मैंने नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया है कि ताकि अच्छे से पूरा घी निकल आए। और यहाँ पे कुछ घी निकाल चुकी हूँ, तो इसे मैं शीशे के गिलास में आप लोगों को दिखाने के लिए ये की थी। तो काफ़ी गोल्डन कलर का घी निकला है, जो एक्चुअल कलर होता है घी का। और ये घर का घी है तो सबसे अच्छा सेहतमंद घी है गाइस, इसमें ना प्रिजर्वेटिव ऐड है ना कोई केमिकल ऐड है। और ये आप अपने बच्चों को, घर में बूढ़े लोग हैं उनको दे सकते हो, आप यूज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी और टेस्ट भी आती है इसकी। तो आप इसे दूध की मलाई को जमाएं और इसे ऐसे घी निकालें। इसका एक बार फिर से कलर देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे पूरा मैंने जला के इसको राख कर दिया है और ये सारे घी बाहर निकल आए हैं। तो मैं इसे तो 1 महीना या आधा महीना चलेगा, 1.5 महीना भी चलेगा, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा लोग घी यूज भी नहीं करते। जब स्पेशली कुछ बनाना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलर कितना अच्छा आया है और मुझे क्वांटिटी का आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कितना ml निकला है ये घी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गिलास घी निकल चुका है 4 कटोरी मलाई से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।